झालावाड़ में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ कच्ची बस्तियों की महिलाओं व लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पर नारेबाजी कर धरना देकर प्रदर्शन किया व विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान लोगों ने सीवरेज व पेयजल की लाइन डालने के बाद सड़क मरम्मत सहित अन्य विकास कार्य करवाने की मांग की, तो वहीं आगामी पट्टा वितरण कार्यक्रम की तैयारियों की धीमी गति को लेकर भी रोष जताया। आप देखेंगे झालावाड़ में भी 5 नगर पालिका है तो सभी ने नगर मित्र लगा दिए हैं और पट्टे की सब तैयारी कर रही है। झालावाड़ नगर परिषद होने के बावजूद इसमें सबसे फिसकती है। मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि स्टेट ग्रांट एक्ट में हमारे प्रत्येक वार्ड में 50 से अधिक पट्टे बाकी हैं स्टेट ग्रांट एक्ट में ही। और इसके अलावा कच्ची बस्ती नियमन में तो नगर परिषद की 450 बीघा जमीन पे लोगों ने मकान बना दिए जिनको पट्टे देना है, जिसमें संजय कॉलोनी में 250 बीघा जमीन है, 250 बीघा राड़ी के बालाजी है और 250 बीघा यहाँ पे धनवाड़ा में है, इनको पट्टे देना है। इसके अलावा दो टास्क ये है, बहुत बड़ी टास्क है। इसके अलावा तीसरी टास्क ये है कि दो गांव जो खंडिया जो गोविंदपुरा पंचायत में था वो झालावाड़ में 20 साल पहले जुड़ चुका है, घोड़ा गांव जो गिंदौर ग्राम पंचायत में था वो झालावाड़ में जुड़ चुका है। इन दोनों ग्राम पंचायतों में भी सरकार का स्पेशल सर्कुलर है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको आपको पट्टे देने हैं।